हवाएं कह रही अपनों की दास्तां, ऐसे ना मिला हमको ये गुलशिता। उनके जैसे उड़ने का अंदाज है जरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। जुर्म और जुर्माना, अपराध और दंड, यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह दोनों पहलू राजा और प्रजा के बीच की एक कड़ी है। इसे कहते हैं प्रजातंत्र। अगर किसी ने चोरी की है तो उसे एक दो माह की सजा उसके चोरी के अनुरूप दी जा सकती है। अगर चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएं ताकि वह दोबारा चोरी न कर सके तो यह उचित नहीं होगा, और इसकी प्रजातंत्र भी इजाजत नहीं देता। ठीक इसी के अनुरूप हमारा नया ट्रैफिक नियम 2019, हेलमेट पहनने में चूक 1500 जुर्माना। ड्राइविंग लाइसेंस आपकी जेब में नहीं है तो इस चूक पर 5000 का जुर्माना। अब देखा जाए तो यह दोनों जुर्म इतने बड़े नहीं जिसका इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाए। सरकारी फरमान के मुताबिक यदि कोई एक से अधिक गलतियां करता है तो सारे जुर्म जोड़कर एक साथ दंड वसूल करने का प्रावधान है, भले ही जुर्म की रकम गाड़ी की कीमत से अधिक हो जाए। यानी एक स्कूटी की कीमत 60,000 हो तो उसका जुर्माना 1,00,000 से अधिक भी हो सकता है। यह कहीं भी व्यवहारिक पहलू नजर नहीं आता। नियम वही हो सकता है जो आम जनता के समझ में आए। जो नियम समझ में नहीं आता वह कभी सफल नियम नहीं बन सकता। हालांकि इस केंद्र सरकार के नियम में यह प्रावधान भी है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से जुर्माने की रकम में जनता को कुछ छूट दे सकती है। इस अधिनियम से केंद्र की यह मंशा दिखती है कि इस नियम के भय से देश की जनता रातों रात सुधर जाएगी और सुबह से पूरे देश की जनता यातायात नियमों का अक्षर अक्षर पालन करने लगेगी। नियम बनाना और उसका पालन करवाना, यह दोनों अलग अलग पहलू हैं। नियम का परिपालन कराने का जिम्मा पुलिस प्रशासन को दिया गया है। अब पुलिस प्रशासन स्वविवेक से इन नियमों का पालन जनता से करवा रही है, और किस तरह से पालन करवाया जा रहा है यह बात देश से छुपी नहीं। जनता और पुलिस के बीच की नोकझोंक आज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस और जनता दोनों ही उग्र रूप में दिख रही है, जबकि दोनों को देश के विकास में सहभागी होना चाहिए। यातायात अधिनियम 2019 बनाने में केंद्र सरकार की इच्छा एवं मंशा दोनों ही देश हित में दिखती है। इसका हम स्वागत करते हैं और यह जनता के लिए हितकारी भी है, परंतु एक व्यवहारिक रूप पर भी केंद्र को विचार करना चाहिए ताकि बनाए गए नियमों का मूर्त रूप देश में दिख सके। हवाएं कह रही अपनों की दास्तां, ऐसे ना मिला हमको ये गुलशिता। उनके जैसे उड़ने का अंदाज है जरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा।